best promotional film, The Dream Fulfilled, Memories of the Engineering Challenges. Puraskar grahan karenge Satish Pandey. For showcasing the triumph of technology over natural and man-made challenges that make Delhi Metro a symbol of national pride. Satish Pandey, best promotional film, The Dream Fulfilled, Memories of the Engineering Challenges. जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। सूखे और बाढ़ की शक्ल में जलवायु में बदलाव का जो असर देखा जा रहा है, उसके कारण हजारों गरीब और सीमांत किसानों की जिंदगियां और रोजी खतरे में पड़ रही है। खेती पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के असर से चिंतित दिल्ली में IARI के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन का खतरा झेल रहे क्षेत्रों की अडैप्टेबिलिटी की क्षमता को बढ़ाने की चुनौती स्वीकार की। वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से वित्त पोषित इस टीम ने भारत के दो सूखाग्रस्त और दो बाढ़ की मार झेल रहे जिलों में जिंदगियों को बदल देने वाली 4 साल की एक यात्रा शुरू की। When we started the project way back in 2009, we had clearly chalked out our strategy of dealing with the adaptability in the 4 districts. A multi-dimensional holistic approach was required. The initial years were indeed challenging, but the hard work and enthusiasm of our scientists have paid rich dividend, and today we can say that we have been able to make a positive change in the life of small and marginal farmers. 4 साल की कोशिशों के बाद इन 4 जिलों के कृषक समुदाय ने ये साबित कर दिया कि ज्ञान आधारित संसाधन प्रबंधन और अन्य सरल तथा वहनीय तकनीकों की मदद से उनके लिए हालात बदल सकते हैं और वे जलवायु परिवर्तन के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। किसी भी नई पहल के साथ कुछ जोखिम तत्व जुड़े रहते हैं, खासकर अगर गरीब और सीमांत किसान की किस्मत दांव पर लगी हो। वैज्ञानिकों की टीम के लिए किसानों को इस बात के लिए राजी करना एक बड़ी चुनौती थी कि वे खेती की अपनी पारंपरिक पद्धतियों को बदलें। ये है मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर ब्लॉक का जाजमखेड़ी गाँव। गोपाल परिहार अपने खेत में गेहूं की नई किस्मों के परीक्षण को लेकर शुरू में सकुचा रहे थे, क्योंकि वो अपनी बरसों पुरानी पारंपरिक पद्धति छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमारे मन में ये संशय था कि वैसा कहीं उसका उत्पादन ना मिले, इसीलिए मेरी जो सफेद मूसली की जो फसल लगी हुई थी उसमें ही मैंने प्रयोग किया। वो प्रयोग मेरा बहुत सफल रहा और उससे लोगों को प्रेरणा मिली कि कम सीड में कैसे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। पहले जो लोकवन गेहूँ बोते थे उसमें थोड़ी सी भी ज़्यादा गर्मी मिलती थी तो उसकी बालियाँ कमज़ोर हो जाती थी, दाना बरोबर नहीं भर पाता था, दाना पतला पड़ जाता था। और अब जो उन्नत किस्म का जो बीज प्राप्त हुआ है, कैसी भी गर्मी पड़े, गर्मी में उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता, दाना अच्छा भरा रहता है और कम पानी में भी उसका उत्पादन अच्छा हो जाता है। इस परियोजना के तहत हर गांव में एक बीज बैंक बनाया गया, जहां से किसान बीज ले सकते हैं और उपज के बाद उतना ही बीज लौटा सकते हैं। सिर्फ 2 साल पहले कागदीपाड़ा के महेश अपनी 1.5 एकड़ जमीन पर गेहूं की पारंपरिक किस्म उगाया करते थे। उपज क्योंकि कम होती थी तो उनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था, लेकिन अब गेहूं की नई किस्म की मदद से वो अपने परिवार का पालन पोषण 7 से 8 महीने तक कर पाते हैं। पहले गेहूं कम होते थे तो उससे ज़्यादा चलते ही थे, फिर मजदूरी पे निकलना पड़ता था, हमारे को बाहर गांव जाना पड़ता था। और अब सर
डबल की इनकम हो गई, तो सर अब घर पे ही खेती बाड़ी देखते हैं। इन चार बरसों में बहुत सी जिंदगियां बदली हैं, कई सबक सीखे गए हैं, कई चेहरों पर मुस्कान आई है, लेकिन अभी और कई मुकाम बाकी हैं और एक लंबा सफर अभी तय किया जाना है। Vast country, a human kaleidoscope of diverse cultures, is a country of remarkable achievements, renowned for its history, scholars, and importance in international affairs. But for far too long, this great nation has also been stamped by the pain of pervasive poverty. A nation of over 1 billion people, home to 1/6 of the world's population, India is also home to 1/3 of the world's poor. Addressing poverty has been high on India's agenda. 20 years back, half its population lived below the internationally accepted poverty line, an income level of less than $1 a day. But today, the proportion has come down to about 1/4. But it's a huge 1/4, consisting of a staggering 260 million people. At least 80 million of them do not have enough food. More than 4 million are infected with HIV/AIDS. 500,000, mostly the poor, die of tuberculosis each year. Mother and child mortality also remain major concerns. The challenges are daunting, but India is not alone in its efforts to meet them. Amongst the leading organizations collaborating with India in its efforts to eradicate poverty is DFID. DFID has been working with the government of Orissa for about 20 years. It has been in the forefront of support to the state in the health and power sectors and in fiscal and governance reform. A pivotal DFID supported project being implemented by the state government since August 2000 is the Western Orissa Rural Livelihoods Project. The prime objective is to promote livelihood improvements by increasing land and water productivity, involving natural resources and non-farm activities, and making available better livelihood opportunities for the poorest. Another key objective is capacity building of communities, Panchayati Raj institutions, NGOs, and the government to enable them to work together on poverty-focused programs. Finally, the project supports work on key issues related to land tenure, administration, and non-timber forest products. Taking a holistic view of the assets and resources on which rural people base their livelihoods, the project uses the Watershed Plus approach, involving better water management, minor irrigation, drinking water and sanitation, and forestry interventions. To ensure that the benefits reach the poorest, women and the landless are also included in the village watershed committees. The 10-year project is expected to benefit more than 725,000 people in 4 districts of the state. Today, the experiences from the project are helping shape other Government of Orissa watershed projects. Throughout the country, DFID is working closely with the national and state governments, institutions, NGOs, local bodies, and self-help groups in a wide range of activities and projects.
The road is not easy, but by helping strengthen partnerships with the poorest of the poor, DFID is changing lives and making a difference, positively and permanently. नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य। जितनी खूबसूरत नागालैंड की ये वादियां हैं, उतनी ही खूबसूरत हैं यहां पर रहने वाली विभिन्न जनजातियां। लेकिन सुदूर क्षेत्र में बसे होने के कारण यहां की अपनी मुश्किलें भी हैं, मगर उन कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने का काम सरकार कई योजनाओं के माध्यम से करती रही है। और ऐसी ही योजनाओं में से एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और नागालैंड में यह जिम्मेदारी पूरी करता है नागालैंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है और आमतौर पर 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है। इस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय सहायता और आजीविका मुहैया कराने में मदद की जाती है। साथ ही ग्रामीण गरीब महिलाओं द्वारा बनाए गए स्वयं सहायता समूह को सपोर्ट करने के उद्देश्य के साथ उनकी आजीविका बढ़ाने और नए नए अवसरों से जोड़ा जाता है, जिससे उनकी आजीविका में निरंतर बढ़ोतरी की जा सके और उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जा सके। और उन सपनों को कुछ इसी तरह पूरा किया वोखा जिले की चिकिताओ गांव की रहने वाली मियानो किकोन ने। 2005 में स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए मियानो को प्रेरित किया गया। महिलाओं के जुड़ जाने के बाद स्वयं सहायता समूह को सफल बनाने की दिशा में बढ़ना शुरू किया गया। समूह ने अदरक की खेती करने का फैसला किया। अदरक के साथ ही किचन गार्डन में सब्जियां भी उगानी शुरू कर दी, जिससे समूह की महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा मिला और देखते ही देखते उनके जीवन की धारा सफलता की दिशा में मुड़ गई। मियानो अपने पोतों और पति के साथ रहते हुए एक बेहतरीन जीवन व्यतीत कर रही हैं और अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर शिक्षा देते हुए उन्हें कल के लिए तैयार कर रही हैं। नागालैंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक नई इबारत लिखने का कार्य कर रहा है। ये मुआ जुंगला, मियानो और अन्नतला जैसी न जाने कितनी ही गरीब महिलाओं और उनके परिवारों का उत्थान करके उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने में सफल रहा है। असो एडा जो हीज वतन है कच्छ ज धरती माथे जो जन्म थो है गरीब घर में जी ने पहले तो गरीब हुआसी एतरे असि कोई जात की अड़ी खबर न हुई तो मजूरी करी बच्चे भी साथ में घर वरी साथ में मड़े मजूरी करी बोरो समय परेशानी थी ना उन टाइम में भी उन टाइम में बोरी परेशानी थी कोई शरीर माथे कपड़ो पो खासो पहरेला न मिलदो खासी पेट पो पूरा जंदो बाकी कपड़ो बपड़ो अड़ो शरीर में न मिलदो पहले हम तो समझ ये मिट्टी काम जो खास तो कह है रोड है कि एयरपोर्ट में मजूरी है कि तालाब में कि डैम में कि मजूरी मिट्टी कम जो खोदाण के मिट्टी खोदे जो कम है हाँ कहीं समझ लो खेती में जो वरी भी पहले खेती करते थे बारिश के हिसाब से ना कोई फायदा तो था नहीं इतना मार्गदर्शन नहीं था ना खेती में सर पहले तो फायदा क्या नींदों एतरो भाव न मिलता हुआ खास मजूरी माथे ध्यान हो मारू कदें तो जमीन विकजी वही न कन विकाजी
वीआरटी और बासमू ने और केयर संस्था वाले ने काम किया ना पानी टाँका वाड़ा नहीं तो समीकरण ना हमें यहाँ रहता ही नहीं था ना हाँ पानी मिली हो ना असाई गाँव में पूरी पूरी सुविधा समीकरण बनी हुई और सुविधा बनी हुई और असाई जमीन जो बदलाव थी हो सुधारो थी हो એટલે હાણે પેટ જરૂરી સમીકરણ ના સાંગે આમદની વધી ગઈ ને ખીર અસા માટે પહેલાં નો કારી ચાય બનાવી દેવાસી એટલે ખીર અસાકે મળી ગયો અને એની જો જનાવર જો ખાતર થઈએ તો એ એને કે અસાકે જમીનમાં કમ અચી દો અને એ જો સંસ્થાવાળા ને જીપસંડનો એનસે ઓર બંધ પાડે છે એનસે અસાકે એકદમ ઊંચો ફાયદો થયો જમીન રેવલ થઈ ગયો ને એ આડોરી જમીન હોય તો પાણી સમીકરણ મળે નીકળી વીજે એન જો બંધ પારો થઈ ગયો એન પાણી મળે જમા થઈ ગયો વી ચાર્જ થઈ ગઈ તેન સે સમીકરણ અસાંગે એકદમ ઊંચો ફાયદો થયો ને કિચન ગાર્ડન મે યે વીઆરટી ઓર કેર સંસ્થા વાલે ને હમકો સિખાયા નહીં તો પાણી યે પાણી વેસ્ટ જાતા થા યે પાણી કા ટાંકા હે ને જો વાસમોડા તો હાણે ઓવરફ્લો જો પાણી હજે તો ઓવરફ્લો જો પાણી સે સમીકરણ ઈ કિચન ગાર્ડન બનેલું હે પહેલે સાહેબ કીએ ન થીંદો 2-15 હજાર રૂપિયા જો 14 હજાર જો સમીકરણ સાલ ભર વિક્રો થીંદો ને 93 હજાર જો વિક્યો હોય ને એનમાં બી કિચન ગાર્ડનમાં કમસેકમ 87-80 હજાર જો વિકી ગયો હોય એમ કે 2-3 સાલ થયા અહીં બનાવેલા કરીને ગુવાર 80 રૂપિયા કિલો હોય હેર પર ને તાજી શાકભાજી મળે હતી ને નલિયા ખરીદ કરી લેવાનું ખપતો તો 20 રૂપિયા ટિકિટ વેચી જઈને 20 હચી જઈને કિલો બકાલો ગણો તો ટિકિટ કેતરી થઈ ને ઘર બેઠે બેઠે સમીકરણ ના સાકે જિંદગી સમીકરણ મળી શકે છે ખેતી અને પશુપાલનની અંદર ખાસ કરીને અમે અને પ્રોડક્ટિવિટી માટે અલગ અલગ બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી અને પ્રોડક્ટિવિટી વધ્યા બાદ એને માર્કેટ સાથે લિંક કરવાનું કારણ કે આજે ખેડૂત કે પશુપાલક જે કોઈ વસ્તુ ઉત્પાદન કરે છે એ ઉત્પાદનની જ્યાં સુધી એને ખરી કિંમત નહીં મળે ત્યાં સુધી એની આજીવિકા મજબૂત નહીં થાય ને માર્ગદર્શન મળ્યું એને કના જમીન વેકે જો બંધ થઈ ગયો પહેલે જમીનને સમીકરણ વેકા જીવી જ્યારે અસાંગ માર્ગદર્શન મળ્યું ત્યારે અસાંગ જમીનને બચીવી ને અસાંજો જીવન કંઈક સુખી થઈ ગયું જો આપકા પ્રોજેક્ટ હે કેર ઓર વીઆરટી કે સાથ કે ઉસમે હમને કાફી ફાઇનાન્સ કિયા હે જો કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ હમારા બેંક કા હે સ્કીમ उसमें हमने लगभग 130-132 खेडूतों को फाइनेंस किया है ये तो हमारी ज़िंदगी में और वीआरटी और केयर संस्था के हिसाब से बदला हुआ तो इनके हिसाब से हम बच्चे भी आगे आ गया और मैं भी आगे आ गया हूँ बहुत मेरे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि मेरी इन तक मंजिल तक पहुँचा दिया हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में अपना एक खास मुकाम रखता है। हालांकि यहाँ के लोग तरह तरह के कारोबार से तो जुड़े हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण रोजगार के साधन भी सीमित हैं। बावजूद इसके सरकार नौजवानों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। उन्हीं प्रयासों में से एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जो युवाओं को ध्यान में रखकर उनका कौशल विकास कर उनके भविष्य का निर्माण करने में अहम भूमिका निभा रही है। जम्मू और कश्मीर में हिमायत कार्यक्रम के माध्यम से आज राज्य के हर हिस्से के युवाओं को एक ऐसी राह मिली है जिस पर चलकर वो अपना आने वाला कल बेहतर बना रहे हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है इस हक के साथ।
मेरा नाम इसहाक है सर, मैं कश्मीर में रहता हूँ, कश्मीर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। सर मैंने प्लस टू किया था सर, प्लस टू में मेरा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट था तो उसमें मैं फेल हो गया था सर। मैं थोड़ा परेशान हो गया था अपनी लाइफ से कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं पास नहीं हो गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसे सोचते सोचते मतलब रात भी कट जाती थी, दिन भी कट जाते थे सर। मेरे दो चार फ्रेंड से वो आगे बोला कि कोई लड़का है वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, वो कह रहे कोई किसी हिमायत से हम आए हुए हैं। तो जो मैंने देखा वो हिमायत के कुछ लड़के थे वहाँ पे, वो कह रहे थे कि हम मोबिलाइजेशन करते हैं। मैं ऑफिस गया इनके, तो मैंने भी सोचा कि मेरा भी टाइम स्पेंड हो गया मतलब कि ताकि फिर से मेरा जो ध्यान है पढ़ाई की ओर बढ़ जाए, तो मैंने वहाँ पर एडमिशन करवाया। जब चारों ओर अंधकार ने इसहाक को घेर रखा था, ऐसे में इसहाक के जीवन में रोशनी भरने का काम किया हिमायत कार्यक्रम ने। इसहाक ने होटल मैनेजमेंट के कोर्स को चुना और उसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं वहां पे गया तो वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था कि मतलब सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, डिसिप्लिन था, जैसे कोई इंसान किसी बीच समंदर के नाव लेके फंस जाता है फिर कोई आता है उसको रास्ता दिखाने, वैसे सेम वाज द केस विद मी। तो उन्होंने मुझे पकड़ा कि हाँ अब यहाँ से जाना है। तो पहले 3 महीने जो किराया होता था 1500 महीने के देते थे, पहले इन्होंने अकाउंट खुलवाए थे वहाँ पे आते जाते हो घर से तो वो किराया आपको मिल जाता है। तो सेम मुझे 3 महीने 1500 मिल गए, जब जॉब मिल गया था जॉब मिलने के बाद फिर 2000 आते थे हमारे अकाउंट में जो गवर्नमेंट की ओर से। थोड़ा शौक हो गया था और ऊपर से मैं खुश हो गया था, पैसे मिल रहे हैं मुझे, कोई मुझे गवर्नमेंट पैसे दे रहा है। ऊपर से मैं गवर्नमेंट के बारे में पहले बुरा भला सोच रहा था, गवर्नमेंट हमें वो नहीं देता ये नहीं देता। इसहाक एक रास्ते की तलाश में था जिस पर चलकर वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके और वो रास्ता उसे मिला हिमायत के माध्यम से। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से आज न जाने कितने ही युवाओं को अपने सपनों को सच कर दिखाने का मौका मिला है और ये बेरोजगारी से नाता तोड़कर रोजगार से नाता जोड़कर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।